ओम शांति। आज है 30 अप्रैल 2022 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने, उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। प्रश्न, कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? उत्तर, निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हैं वह सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। ऐसे कमजोर बच्चों को भी रहम दिल बाप राय देते हैं, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं सर्विस भी नहीं करते तो बाप को तो याद करो। गीत, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। यह किसकी महिमा है? मात पिता की। तुम उस मात पिता के बच्चे हो, उनको कहा जाता है बेहद का रचयिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जगत अम्बा और जगत पिता ब्रह्मा के भी चित्र हैं, सिर्फ भिन्न चित्र बना दिए हैं। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सत्युग में अथाह सुख थे, अभी फिर से बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती, यह है बेहद के माँ बाप की बात। परम पिता परमात्मा को ही मात पिता कहा जाता है, परंतु वह है निराकार। यह तो बहुत बार समझाया है कि नई रचना नए धर्म के लिए यह नया ज्ञान है। देवी देवता धर्म अभी है नहीं, कोई भी नहीं कहेंगे कि हमारा देवी देवता धर्म है, क्योंकि वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी हैं सब विकारी और धर्म प्रायः लोप भी जरूर होने हैं। तब तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चों को बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षे के लिए माँ के पेट से जन्म ले फिर बाप को याद करते हैं। जन्म तो लिया परंतु किसके थ्रू? माँ से जन्म लेते हैं। यह भी ऐसे हैं, थ्रू माँ के तुम बच्चे बने हो, याद करते हो शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए वाया माँ। परंतु कोई को निश्चय है, कोई को नहीं है। ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय है, माया घुटका दिलाती रहती है, कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने वाले अपनी ही भूलों के भ्रम में फंसते हैं। निश्चय है तो फिर और सब बातें छोड़ देते हैं। सुनना है और सुनाना है, कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते, प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे। अच्छा, और कुछ नहीं करते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो, स्वर्ग में आ जाएंगे। अच्छा, विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती, फिर भी बाप को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पद कम मिलेगा। बाप समझाते हैं, भक्ति का पाठ अब खत्म होना है, भक्ति का फल देने बाप आए हैं। तुम ही नंबर वार पूरी भक्ति करते हो, पहले पहले करते हो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिए हैं, कितने सत्संग होते हैं। जहाँ यह सब चीजें बहुत हैं वहाँ फिर यह कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी मंदिर नहीं रहेगा। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है, द्वापर कलयुग है, भक्ति मार्ग का युग, तमो प्रधान बनने का युग। अब बाप इन सब झंझटों से छुड़ा देते हैं,
कहते हैं हेयर नो इविल सी नो इविल, देह सहित इन सब से ममत्व मिटाओ, अब तुम्हें नए घर में चलना है, जब स्थापना हो जाए तब तो चलेंगे ना, यह है पुरानी दुनिया दुख धाम, यह अंतिम जन्म है, अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, मात पिता की गोद में हो, लामुजीब बाप ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते हैं, तो यह माँ हो गई, लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा तरफ चली जाती है, तो मात पिता हम बालक तेरे शिव बाबा तरफ लब चला जाता है, तुम सजनिया भी हो, शिव बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर लायक बनाने, ज्ञान और योग से तुम बच्चों को श्रृंगारते हैं, सिर्फ तुम नहीं हो, यह आवाज तो सब सेंटर्स पर सुनते हैं, हजारों सुनते रहेंगे, सभी का श्रृंगार होता रहता है, कितने श्रृंगार करते करते फिर मैले हो जाते हैं, बाबा गधे का मिसाल देते हैं ना, तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है, कहते हैं बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया, बाबा कहते हैं तुम कुल को कलंक लगाने वाले हो, बाप की भी निंदा तो बच्चों की भी निंदा कराते हो, तुम तो और ही गिर पड़ेंगे, इस काम महाशत्रु पर पूरी जीत पानी है, बाप से प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, बाप है स्वर्ग का रचयिता, सो तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, जो यह सहज राजयोग सीखेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, ऐसे नहीं कि सभी स्वर्ग में आएंगे, भल यह समझते हैं कि नई दुनिया गॉडफादर रचते हैं, बाकी नई दुनिया में कौन राज्य करते हैं, यह राज तो जब कोई समझावे, भल जानते हैं भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति तो भारतवासी खुद ही नहीं जानते, तो औरों को क्या बताएंगे, तुम बतला सकते हो, भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता, भारत जैसा माला माल और कोई खंड नहीं, अभी अमेरिका आदि के पास भल बहुत धन है, परंतु भारत की भेंट में तो यह जैसे कौड़ियां हैं, भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है, सभी आत्माओं का बाप भारत में आते हैं, नर्क को स्वर्ग बनाने, सबको लिबरेट करते हैं, महिमा है तो उनकी, फूल भी उन पर चढ़ाने चाहिए, परंतु गीता में नाम गुम कर दिया है, इसलिए महत्व कम कर दिया है, क्रिश्चियन लोगों ने भी उल्टी सुल्टी बातें सुनी हैं, तो वे भी फिर गलानी की बातें सुनाए, अपने धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते गए हैं, कितने क्रिश्चियन बनते होंगे, यह तो कल्प कल्प होता ही रहेगा, बाप कहते हैं जब ऐसे धर्म गलानी होती है तब फिर मैं आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, स्वर्ग की स्थापना होती है, वह है शिव बाबा, तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं और तुम हो गुप्त, तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जाने, तुम ही जानते हो बरोबर हम शिव शक्ति पांडव सेना है, यह नई राजधानी स्थापन हो रही है, यह है पुरानी पतित दुनिया, वह है पावन नई दुनिया, इस पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता, शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं, सुनाने वाले भी बड़े होशियार होते हैं, शास्त्र भी सुनते आए, सात रोज का पाठ भी रखते आए, रुद्र यज्ञ आदि भी रचते आए हैं, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, चाहे कुछ भी करे वापिस तो एक भी नहीं जा सकता, मनुष्यों को ज्ञान नहीं तो शास्त्रों का कनरस बहुत अच्छा लगता है, तुमको अभी वह अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाप कहते हैं हेयर नो इविल, सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे, आसुरी मत पर चलने से असुर ही बनते जाएंगे, वह है रावण मत, मनुष्य रावण
मत पर हैं तब तो रावण को जलाते रहते हैं। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। बीज और झाड़ की नॉलेज है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। अगर सत्यों को लाखों वर्ष हुए हो फिर तो हिंदू बहुत ढेर होने चाहिए। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलमिटीज भी आती जाएंगी। इनको फिर वह गॉडली कैलमिटीज कह देते हैं, परंतु गॉड थोड़े ही कैलमिटीज लाते हैं। यह तो ड्रामा में नोंद है, विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे रची जाए। महाभारत लड़ाई से ही तो गेट खुलेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मंजिल बहुत भारी है, तो कई हिम्मत नहीं रखते हैं। देखो कल भी बाबा समझा रहे थे कि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब मैं अमर लोक का मालिक बनाने आया हूँ। यह अंतिम जन्म बाप का कहना मानो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। लौकिक बाप का भी अगर बच्चा कहना ना माने तो बाप कहेंगे ना तुम कपूत बच्चा हो। बाबा तो सर्वशक्तिमान है, उनके फरमान पर चलने से मदद भी मिलेगी। फिर बच्चे कहते हैं अच्छा सोचेंगे, अरे कल शरीर छूट जाए तो वर्षा तो मिलेगा नहीं। 5 विकारों की बीमारी बहुत कड़ी है, माया ने सबको रोगी बनाया है। अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, माया तो बहुत विकल्पों में लाएगी, बहुत तूफान आएंगे, देवाला निकल जाएगा। फिर कहेंगे यह क्या, बाबा का बना तो यह हाल हुआ। परंतु बाप कहते हैं तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तुम तो ट्रस्टी हो गए, वह तुमको पूरा हिसाब दे देंगे, तुम चिंता क्यों करते हो। तुम जानते हो अभी तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, बाप सालवेज करने आए हैं। बाप बिगर स्वर्ग कौन बनाए, कहते हैं द्वारिका नीचे चली गई, अब ऊपर कैसे आएगी, कच्छ मच लाएंगे क्या। यह ड्रामा का चक्र है जिसको समझना है। सतयुग त्रेता जब ऊपर है तब द्वापर कलयुग नीचे चले जाएंगे। सृष्टि चक्र का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जैसे आईना फुल साइज का भी बनाते हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे आईने में अपना मुंह देखते रहो, कहाँ बंदर तो नहीं बन पड़ते हो। जिनमें विकार हैं वह बंदर से भी बदतर हैं। देवताएं तो मंदिर लायक हैं, वास्तव में सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता। मंदिर सिर्फ देवताओं का होता है क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। यहाँ पवित्र शरीर तो मिल ना सके। मनुष्य कितने यज्ञ रचते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं, बाप तो एक ही बेहद का यज्ञ रचते हैं जिसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बाकी सब यज्ञ खलास हो जाते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, शिव ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं है। रुद्र की और सालिग्रामों की पूजा होती है, कितने सालिग्राम बनाते हैं, शिव तो एक ही बनाते हैं। प्रजा तो ढेर बनेगी, इतने थोड़े ही बना सकेंगे। शिव बाबा और तुम बच्चों की पूजा होती है क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो, तुम हो शिव शक्तियां, सेल्वेशन आर्मी। ऐसे बहुत हैं जो स्वयं को सर्वोदया लीडर कहते हैं। अब सारी दुनिया पर दया तो कोई कर ना सके, सब पर रहम करने वाला रहम दिल शिव बाबा को ही कहा जाएगा। मनुष्य नाम तो बड़े बड़े रखवाते हैं, सर्व पर दया व कृपा करना अर्थात सुखधाम में ले जाना, यह काम तो एक परमात्मा का ही है। सभी का गति सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते, एक की भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है।
तुमको कहते हैं कि तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, लेकिन जो चीज़ सामने है आँखों से देखते हैं, मानते कैसे नहीं। परंतु अभी हम श्रीमत पर चलते हैं जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत है भगवान की, श्री कृष्ण की मत पर नहीं चलते। कृष्ण की आत्मा भी आगे जन्म में श्रीमत से ऐसा श्रेष्ठ देवता बनी थी। तत्त्वम उनकी राजधानी भी होगी ना, अकेला कृष्ण क्या करेगा। कांटों से फूल बाप के सिवाय और कोई बना न सके। बाप आया है तो जरूर स्वर्ग रचेंगे ना, नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर से बना रहे हैं। वहां भी मंदिर आदि होंगे नहीं। तुम जानते हो बाबा भारत में आया है भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा ने समझाया है माया के तूफान तो सभी को आएंगे। बाबा से आकर पूछो, ज्ञान और योग का भी अनुभव पूछो। संकल्प जो विकल्प बन जाते हैं उनका भी अनुभव पूछो। बाबा सबसे आगे हैं तो इन तूफानों से पास जरूर होते हैं। हम बाबा को याद करते हैं फिर भी माया कम नहीं है। जितना रुस्तम उतना माया पूरा सामना करेगी, डरना नहीं है। लिखते हैं बाबा माया को बोलो कि तंग ना करे, परंतु माया तूफान तो मचाएगी, डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, बाप को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। बाप के फरमान पर पूरा पूरा चल, मदद का पात्र बनना है। नंबर दो, मनुष्यों के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेशन आर्मी बन पार करना है। बाप का मददगार बन पूजनीय लायक बनना है। वरदान, हर सेकंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूरत भव। सफलता मूरत बनने का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। यदि संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना। स्लोगन, जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। रोज मुरली सुनने के लिए आप शिव बाबा मुरली मधुबन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि शिव बाबा की मुरली रोज आपके पास पहुंचे। ओम शांति।